नमस्कार, मेरा नाम है शांतनु मैत्रो। सबसे पहले तहदिल से सारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, एनजीओस, ऑर्गेनाइजेशन की जो कोविड रिस्पांस टीम है जो काम कर रहे हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। इन सबको मेरा शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के बिना इतना बड़ा क्राइसिस इतना बड़ा देश में हैंडल करना नामुमकिन है। और जो भी प्रोग्रेस हुआ है, और अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, वो हुआ है आप सबके लिए। इसके साथ ये कहना जरूरी है कि हम लोगों का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, हाथ धोना दिन में 3-4 बार, बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली, ये पहले पहले शुरू हुआ था बीच में भूल गए हम लोग, फिर मास्क पहनना। मैं काफी लोगों को देखता हूं कि मास्क है पर गले में है, नाक में नहीं है, मुंह में नहीं है। अगर नाक मुंह नहीं ढकेगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इतना तो कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग कर ही सकते हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को हेल्प करने के लिए। और बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं पे एक शर्म है कि किसी को अगर कोविड हो गया है तो हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि मेरा तबीयत खराब है, इसलिए हम इंफॉर्मेशन किसी को दे ही नहीं रहे। हम बता ही नहीं रहे कि हमारा तबीयत खराब है, या हमें सर्दी है, या हमें ब्रोंकल प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो डेटा, हेल्थ केयर, सब कुछ मायने नहीं रखता। वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। हमको अथॉरिटीज को बताना है कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा, वो बोलेंगे कि आपको कोविड हो रहा है या है, आप घर में क्वारंटीन हो जाइए। आई थिंक इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। और वो सोशल स्टिग्मा है कि आप नहीं बता रहे लोगों को कि आपका तबीयत खराब है। और यू कैन बी अ कैरियर, इट्स डेंजरस। सिर्फ आप क्यों, यू हैव बिकम ऑलमोस्ट लाइक पोटेंशियल बॉम्ब फॉर अदर पीपल। मुझे लगता है इतना अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर लेंगे, ये जो क्राइसिस है ये कम समय में टैकल हो सकता है, थोड़ा सा अगर ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा सा ऑनेस्टी दिखाए तो। बस यही बताना था आप लोगों को। घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।